आज हम लोग बात करेंगे ब्लू होस्ट होस्टिंग के बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कब आप लोगों को ये यूज़ करना चाहिए और क्या इसके अल्टरनेटिव्स हैं वो भी जानेंगे हाय गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं होस्टिंग वीपीएन और डिजिटल टूल्स के रिव्यू करता रहता हूँ सो so, आज हम लोग बात करेंगे ब्लू होस्ट डॉट कॉम के बारे में मैंने डॉट इन अराउंड 2016 में यूज़ किया था डॉट कॉम टू थाउजेंड एटीन में यूज़ किया था और डॉट इन और डॉट कॉम दोनों अलग अलग हैं कन्फ्यूज़ मत होना ब्लू होस्ट डॉट इन काफ़ी बेकार वेबसाइट है काफ़ी बेकार होस्टिंग है उसको गलती से भी मत ले लेना भगवान बचाए आपको डॉट इन से तो अब हमें डॉट कॉम पर जाना कैसे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लू होस्ट फिर जो पहली वेबसाइट है कि हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे ब्लू होस डॉट कॉम पर लेकिन ये हमें रीडायरेक्ट कर देगी ब्लू होस डॉट इन पर तो अब यहाँ से आपको आई एन आर से यू एस डी सेलेक्ट कर लेना है और आप आ जाओगे ब्लू होस् डॉट कॉम के ऊपर सो ब्लू होस डॉट कॉम का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सो so, शुरुआत करते हैं इस कंपनी को लेकर के ये कंपनी स्टार्ट हुई थी टू थाउजेंड थ्री में एंड देन धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई मेनली बिकॉज ऑफ देयर चीप सर्विसेज एंड ज्यादा अफोर्डेबल नहीं थी वैसे लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली दूसरी होस्टिंग कंपनी से अफोर्डेबल थी एंड 2010 में इसे एक्वायर किया ए ग्रुप ने इन्होंने काफ़ी सारी होस्टिंग कंपनीज को एक्वायर किया है इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू की जैसे आप लोग लॉग करेंगे इस टाइप का आप लोग को यहाँ पे पैनल देखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोग व्यू माई साइट पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट खुल जाएगी ये मेरी वेबसाइट होस्टेड है ब्लू होस डॉट कॉम पर यहाँ पर जो मैंने पैकेज यूज़ किया है ये है चॉइस प्लस पैकेज मैंने यूज़ किया है ये वाली मेरी वेबसाइट है और इसी पैकेज के आज मैं सारे टेस्ट भी करूँगा और इतना सिंपल है कि एक्चुअल मुझे ये डिफ़िकल्ट लगा कि जो मुझे जो चीज़ें ढूंढनी थी वो चीज़ें ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा जैसे यहाँ पर जाऊँगा प्रोडक्ट्स पर जाऊँगा और इसके बाद मुझे सी पैनल ढूंढने में टाइम लगा था सी पैनल इसमें है कहाँ तो जैसे यहाँ पे कहीं पे सी पैनल नहीं दिया फिर इन्होंने एडवांस के नाम से सी पैनल दे के रखा है मतलब एक रीस्केंड वर्जन है सी पैनल का इस टाइप का पैनल है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी स्लो काम करता है वैसे ऑल राइट वर्ल्ड टाइम टू टेक यू ऑन फालतू की लोडिंग सीरीन ने यहाँ पे देखे रखी है एंड इट इज़ स्लो इट इज़ ईजी लेकिन इट इज़ स्लो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम मुझे अच्छा देखने को मिला है इसके सर्वर सिर्फ यूएस में ही है तो यूएस के अराउंड काफी अच्छा देखने को मिला है बैगलोर में आते आते थोड़ा स्लो हो जाता है लेकिन इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस इसकी ए प्लस है नेक्स्ट अगर जब मैंने यहाँ पे स्पीड टेस्ट करे तो मुझे लोडिंग टाइम मिला है थ्री पॉइंट वन सेकेंड का यहाँ पे मैंने कोई कैशे का यूज नहीं किया है इनका एक इनबिल्ड कैशे आता है सिर्फ मैंने उसी को एक्टिव करके रखा था और जब मैंने एक एक्सटर्नल कैशे प्लग का यूज़ किया था तो मुझे अंडर टू सेकेंड का यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा था कैशे मैनेजर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एक कैशे लेवल मिलता है नॉर्मल लेवल टू लेवल थ्री ओनली तो इस टाइप यहाँ पे एक सिंपल सा आपको कैशअप लग इन मिलता है ब्लू होस्ट के थ्रू अप टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 100% परसेंट टाइम मिला है पिछले डेढ़ महीने से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और अभी तक ये वेबसाइट डाउन नहीं गई है तो ये एक अच्छी बात है लोड टेस्ट की बात करूँ तो लोड टेस्ट भी इसने काफी ईजिली पास किया है पचास यूजर पचास रियल टाइम यूजर्स को इसने हैंडल किया है वर्चुअल यूजर्स मैंने भेजे थे रिस्पॉस टाइम में कुछ ज्यादा स्पाइक नहीं है कुछ ज्यादा एरर्स नहीं है एस टी टी पी फेलियर्स नहीं है तो ये वेबसाइट लोड भी हैंडल कर लेगी डेटा सेंटर्स की बात करें तो इसका डेटा सेंटर सिर्फ यूएस में ही है जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एशिया में और यूरोप में कोई डेटा सेंटर नहीं है बैकअप्स की बात करूँ तो ये सिर्फ आप लोगों को चॉइस प्लस वाले प्लान में ही मिलता है या फिर उसके ऊपर वाले प्लान्स में कोर्ट गार्ड बेसिक का बैकअप मिलता है आप लोगों को जो कि एक अच्छा बैकअप है ऑफ सर्वर बैकअप है इस टाइप का उसका इंटरफेस रहता है काफी अच्छा बैकअप है मैं कोर्ट गार्ड को तो मैं कब से लेके यूज़ कर रहा हूँ काफी पहले से यूज कर रहा हूँ एंड इट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट रिलायबल बैकअप सिस्टम आउट देयर इनोट काउंट की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग को चॉइस प्लस प्लान तक सिर्फ दो लाख के इनोट e काउंट्स मिलते हैं और प्रो प्लान में आप लोगों को तीन लाख के इनोट काउंट मिलते हैं जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर्स चार लाख 5 लाख ऐसे ही नोट काउंट देते हैं और जब मैंने इनके सपोर्ट से पूछा तो इन्होंने मुझे कहा कि पचास हजार तक वैसे है अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए कस्टमर सपोर्ट की बात करो तो ट्वेंटी फोर बाय सेवन लाइव चैट सपोर्ट है कस्टमर सपोर्ट फास्ट है दो सेकंड में आप लोग कनेक्ट हो जाओगे दो मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाओगे लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट गुड टेक्निकल नहीं है और काफ़ी टाइम लेते हैं आपकी सिंपल क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए भी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है 3.95 डॉलर से और जाता है 13.95 डॉलर तक पर मंथ अब इसमें एक छुपी हुई बात ये है कि ये वाली जो प्राइस है ये आपको तभी मिलेगी जब आप तीन साल के लिए इसका प्राइस लोगे अब यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं चॉइस प्लस प्लान अगर मैं पे तीन साल के लिए लेता हूँ तो मुझे सिक्स पॉइंट का मिल रहा है लेकिन अगर मैं इसे बारह महीने के लिए लेता हूँ तो फिर इसकी प्राइस हो जाती है अराउंड नौ डॉलर की तो ये चीज ध्यान में रखना और नीचे जब आओगे तो इनके कुछ अपसेल्स भी ये लोग करते रहते हैं साइड लॉक सिक्योरिटी एसेंशियल इसको हटा देना फ्री वाले को ये लोग मार्क नहीं मार के रखते हैं तो इस पर मार्क मार देना और यहाँ पर आप लोगों को अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी पेमेंट ऑप्शन में मैं मोर पेमेंट ऑप्शन में जाता हूँ क्रेडिट कार्ड है और पेपाल है। Google पे है गूगल पे अमेज़ोन पे एक ऑप्शन नहीं है रिटर्न की बात करूँ तो थर्टी डे रिटर्न मिलता है आप लोगों को माइग्रेशन की बात करूँ तो कोई भी फ्री माइग्रेशन आप लोगों को नहीं मिलता है आप लोग अगर इनसे करवाते हो तो आप लोगों को डॉलर वन एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं यूजली साइड ग्राउंड जैसी कंपनी डॉलर थर्टी लेती है फास्ट कॉमर्ट में आपको तीन फ्री माइग्रेशन मिलते हैं लेकिन यहाँ पे कोई फ्री माइग्रेशन नहीं है और ऊपर से डेढ़ सौ डॉलर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है तो माइग्रेशन खुद ही कर लेना इनसे मत बोलना सॉफ्टवेयर so, की बात करूँ तो पी एच है सेवन अवेलेबल नहीं है यूजअली सेवन पॉइंट जीरो पे बाई डिफॉल्ट सेट मिलेगा आप लोगों को इसको अपडेट करना पड़ेगा एंड पर्ल पाइथन नोट जेस लार्वल का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा इनके शेयर्ड होस्टिंग में साइट बिल्डर की बात करूँ तो वीबली बिल्डर का यहाँ पे यूज किया गया है और ये एक वन ऑफ द बेस्ट साइट बिल्डर है जो मैंने यूज़ किया है किसी भी शेयर्ड होस्टिंग में लेकिन ये आप लोगों को सिर्फ एक ही वेबसाइट के लिए मिलेगा अगर आप लोगों ने अनलिमिटेड वाला प्लान भी लिया है तो भी आप लोग सिर्फ एक ही वेबसाइट पे साइट बिल्डर का यूज कर पाओगे पास की बात करूँ तो पास में ब्लू होस्ट हैक हुआ है और इनके सर्वर्स भी डाउन गए हैं तीन से लेकर चार दिन तक के लिए डोमेन्स की बात करूँ तो एक प्राइमरी डोमेन फ्री मिलेगा आप लोगों को एक साल के लिए और टेम्पररी डोमेन नेम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए ई e की बात करूँ तो अनलिमिटेड ईमेल्स आप लोगों को मिल जाते हैं और अभी तक का अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको थम्सअप जरूर दे दीजिएगा इट रियली हेल्प्स मी कि मैं ऐसे और वीडियोज आप लोगों के लिए ला पाऊँ अब अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो ये लोड इजीली हैंडल कर लेता है यहाँ पे आप लोगों को पचास जीबी की स्पेस मिल जाती है इनके बेसिक प्लान में अप टाइम इसका अच्छा है कस्टमर सपोर्ट इसका फास्ट है कौन सी बात करूं तो यहाँ पे फ्री माइग्रेशन नहीं है डेटा सेंटर सिर्फ यूएस में है कस्टमर सपोर्ट फास्ट है लेकिन टेक्निकल नहीं है अपसेल करते हैं या आपको कुछ कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम सो बिफोर आई जंप ऑन टू द बॉटम लाइन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके एक्विजिशन के बारे में इसे एक्वायर किया गया था ई आई जी ग्रुप के थ्रू टू थाउजेंड टेन में ई आई जी ग्रुप फेमस है होस्टिंग कंपनीज को एक्वायर करने के लिए इनके अंडर में सिक्सटी प्लस होस्टिंग कंपनीज़ हैं ये पहले अच्छी होस्टिंग कंपनी को एक्वायर करते हैं देन जो उसका स्टाफ रहता है उसे रिप्लेस कर देते हैं अपने स्टाफ से जो इनका सस्ता तो टिकाउ स्टाफ रहता है और सर्वर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा लोड डाल देते हैं तो यूजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर सपोर्ट की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है सर्वर्स पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है एंड होस्टिंग सर्विस धीरे धीरे क्रैश करने लग जाती है एंड ज़्यादातर कंपनी जो इन्होंने एक्वायर किया है उनके साथ ऐसा ही हुआ है होस्ट गेटर ब्लू होस्ट बिग रॉक ये सारी कंपनीज आती है ई ग्रुप के अंदर सब एक ही खेत की मूली है आई पर्सनली डोंट लाइक ए आई जी होस्टिंग कंपनीज लेकिन ब्लू होस्ट और बिग रॉक में थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं सेकेंड पॉइंट इसको रिव्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं लेकिन जो लोग हैं वो शायद से इसे इतना पसंद नहीं करते हैं रिव्यूवर्स क्यों पसंद करते हैं इसे अफोर्डेबल है काफ़ी पॉपुलर है और कमीशन ये काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो मेरी दो साइड ग्राउंड की सेल बराबर होगी एक अगर मैं आप लोगों को ब्लू होस्ट की सेल करूँ तो और होस्टिंगर से कंपेयर करो तो कम से कम एवरेज प्राइस जिस पे मेरी होस्टिंगर होस्टिंग सेल होती है तो चार से छः मुझे सेल करनी पड़ेगी अपनी होस्टिंगर होस्टिंग तब जाके मेरी एक ब्लू होस्ट की सेल बनेगी तो दैट्स हाउ मच कमीशन दे पे और ये सिर्फ उनकी बेसिक कमीशन है अगर आप लोग ज़्यादा सेल्स देते हो या फिर कुछ सीजन का टाइम होता है तब कमीशन डबल हो जाती है तो कमीशन एक रीज़न हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको रिकमेंड करते हैं और मेरे हर वीडियोज़ के नीचे कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो ब्लू होस्ट का अपना रेफरल लिंक डाल देगा ना मैं भी कमीशन के थ्रू ही कमाता हूँ ये चैनल भी एफिलियट कमीशन के थ्रू ही अर्न करता है एंड बिना उसके शायद से चैनल सर्वाइव नहीं कर पाता और कब का मैंने चैनल बंद कर दिया होता लेकिन कमीशन के चक्कर में मैंने ना आज से पहले किया है ना करूंगा कि जो मुझे ज़्यादा कमीशन दे रहा है मैं उसी को प्रमोट करूँगा या उसी को रिकमेंड करूँगा हाँ कमीशन मुझे मिलती है एफिलिएट लिंक्स का मैं यूज़ करता हूँ लेकिन मैं सिर्फ वही चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जो मैं एक्चुअल में यूज़ करता हूँ एंड जो मुझे एक्चुअल में अच्छी लगती है नाउ जंपिंग ऑन टू द बॉटम लाइन ब्लू होस्ट एक मिड टीयर शेयर्ड होस्टिंग के ऑप्शन में आ जाता है अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना लोग इसको बताते हैं इट इज़ अप्रोप्रिएट जब आप लोगों को एक सिंगल वेबसाइट होस्ट करनी हो और आप लोगों को पचास जी की स्पेस चाहिए हो और डेटा सेंटर आप लोगों को यू में चाहिए हो या फिर आप लोगों को इनका साइट बिल्डर यूज करना हो तब आप लोग ब्लू होस्ट ले सकते हो या फिर जब ये आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रही हो मेरे हिसाब से ब्लू होस्ट से अच्छी वैल्यू आप लोगों को फास्ट कॉमेट में मिलेगी प्राइसिंग लगभग सिमिलर है इनफैक्ट फास्ट कॉमेट की ज़्यादा सस्ती है ये 6.95 का चॉइस प्लस दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को इनका टॉप प्लान 5.95 पॉइंट डॉलर्स पर मंथ का मिल जाएगा और इसमें सारे अच्छे फीचर्स हैं स्पीड है इनका सपोर्ट भी अच्छा है इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैंने करके रखा है वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा फास्ट कॉमेट के डेटा सेंटर्स भी ज़्यादा है बैंगलोर इंडिया में भी है तो मेरे हिसाब से फास्ट कॉमेट एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा सो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड बाय